तो आप सोशल वर्क बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कैसे दोनों मैनेज कर लेते हैं? देखें जी, वो जॉब अपनी जगह, लेकिन हम अपने ही उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में भी, जो जिनके लिए हम प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे होते हैं। और ये बात यही है कि जो आपकी ज़िंदगी है वो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। उसमें आप अगर अपनी पोजिशन यूज़ करके कर सकते हैं तो वो भी आप अमानत है जो आप सही तरीके से निभा रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ सोचते ज़रूर हैं, उस लेवल की हम कोशिश नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इंशाल्लाह दोनों पोजीशंस में गुजारिश यही है कि हर हाल में इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, दुख कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त फर्क करनी चाहिए जी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये जो ब्लड का खतिया है, ये आपने कब से शुरू किया? देखें, ये आपको पता है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चे होते हैं वो सिर्फ ब्लड पर ही ज़िंदा होते हैं। छः माह की ज़िंदगी के बाद जब उनकी बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद बाकी सारी ज़िंदगी जितने देर उन्होंने ज़िंदा रहना है वो मुसलसल ब्लड उन्हें लगना होता है। जो हमारी गरीब क्लास है, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इतना ज़्यादा ब्लड अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, कल्चर भी इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि स्पेशली रूरल एरिया में इतना कल्चर भी नहीं कि वो लोग ब्लड डोनेट करें। तो उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए और स्पेशली उन बच्चों को किसी तरह खून पहुँचाने के लिए, ब्लड पहुँचाने के लिए जो जिन पर उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने दो चार दफ़ा इस तरह के बच्चों की जब मेरी मुलाकात हुई तो उनका ये जो छुपा हुआ दुख है, परेशानी है, उनके चेहरे पे महरूमी थी, उसने मुझे मोटिवेट किया कि हमें इन सब के लिए कोशिश करनी चाहिए। उस मोटिवेशन को काम में लाते हुए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि दो सुबाब के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर हर हफ्ते 150-200 बैग बंदोबस्त अगर हो जाए तो 1300-1400 बच्चे जो कि थैलेसीमिया के सिर्फ गुजरांवाला रीजन में रजिस्टर्ड हैं, उनको ब्लड मुहैया किया जा सके, उन्हें ब्लड की तरफ से कमी ना आए, उनके वालदैन रोज़ी रोटी तो कमाएं लेकिन उनके खून की उन्हें परेशानी ना हो। उस परेशानी को हल करने के लिए हम कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह लोगों के तावन से और अल्लाह के फजल से हम इससे में कामयाब हैं जी। अच्छा, आप इसके अलावा एजुकेशन में भी काम करते हैं, तो आप कौन कौन से शोबों में इस वक्त काम कर रहे हैं? एजुकेशन के वाले से भी आपने, मुझे याद है कि सियालकोट में जब आप थे तो 1,00,000 रुपया यकीनन उस बच्चे को डोनेशन दिया था तालाब में, बताओ। तो इसके अलावा भी कुछ ये जो एजुकेशन में वो कितना काम कर रहे हैं? देखिए जी, ये चीज़ें जो हैं, बंदा ज़िंदा हो तो उसे बाकायदा ज़िंदा होना चाहिए, और ज़िंदा वही होता है कि जो किसी खुशी में खुश हो और दुख में दुखी हो। जब खुशी में खुश होगा तो उसकी खुशी में इजाफा करेगा, दुख में जब उसके साथ होगा तो उसके दुख में कमी करेगा। तो जहाँ भी हो सके जितना लोगों के लिए, वो मैं नहीं, हमारे अजी साहब जो है मौजूदा ख़ास तौर पर, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि पुलिस से लोगों को अच्छी वाइब्स जाएँ, खुशियाँ जाएँ और आसानियाँ जाएँ। तो उनको फॉलो करते हुए हम कोशिश करते रहते हैं कि अपने अजी साहब के विजन के मुताबिक लोगों की के लिए आसानियाँ पैदा करें, और उसमें अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हैं। अजी साहब भी हमारे जो हैं, वो भी जितने भी अच्छे पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन के एग्ज़ाम में लोग आते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट अप करते हैं। तो इसी सिलसिले में उनको फॉलो करते हुए हम सारे ऑफिसर कोशिश करते हैं कि जो हमारे हीरे हैं हमारे मुल्क के, जो एजुकेशन में है या किसी फील्ड में है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि अप्रिशिएशन से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती, और इस मोटिवेशन से ही हम अगली कौम, अगली नस्ल को बेहतर, उनके लिए तरक्की का सबब बन सकते हैं जी। अच्छा सर, एक पुलिस के वाले से मुझे आ गया यह सवाल, पुलिस में काफ़ी लोग बहुत बहुत अच्छा काम भी करते हैं, शहीद भी हुए हैं, लेकिन बाकी इदारों में शहदा को बहुत सारी चीज़ें, आप समझ गए होंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, पुलिस में नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? जी, पहले हो सकता है ऐसे मसाइल हों, लेकिन जब से मौजूदा हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अमर साहब तशरीफ लाए हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा और हम सब पुलिस अफसरान को भी पता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई पुलिस अफसर तकलीफ़ में होता है तो आईजी साहब जो है वो बिल्कुल भी खुद सुकून में नहीं होते जब तक उसे रिलीफ नहीं दे लिया जाए, जब तक उसे मदद ना कर दी जाए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा अदारा अब किसी भी अदारे से कम नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ के जख्मियों को, शहदा को और तकलीफ़ में जो पुलिस अफसरान हैं उनके मदावा के लिए, उनके दुख को कम करने के लिए अजीत साहब का विजन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के फंड क्रिएट कर दिए हैं कि अब पुलिस वाला कोई ऑफिसर इस मामले में कभी कोई गिला नहीं कर सकता जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि हमारे ये भाई मियाँ साहब ने और डॉक्टर शाह साहब ने ये आपके कहने पर काविश की, इस बारे में सवाल से थोड़ा सा।
जी एक तो मेरे कहने पे उन्होंने नहीं की, उन्होंने खुद अपने कहने पे की है, वो खुद उन्होंने खुद उन्हें लोगों के दुख का एहसास हुआ है। अच्छा। तो वो दी वो काफ़ी देर से वो उनको चाह रहे थे कि हम अलीपुर में ब्लड कैंप लगवाना चाह रहे हैं और इसमें हम लेट थे, उनकी तरफ से वो सब अवेलेबल भी थे, उनके रिसोर्स भी, उनके दोस्त भी, उनका इन्फ्लुएंस भी। तो मैं समझता हूँ कि अलीपुर चट्ठे के सारे लोग चूँकि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छों में ये अच्छे हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और ये तकलीफ उठा के दूसरे की तकलीफ कम करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ये जो 100 से ज़्यादा बैग अभी हो चुका है, इंशाल्लाह 200-300 बैग जो हो जाएगा तो ये 800-900 बच्चे की 15-20 दिन या महीने की ज़िंदगी है जो ये लोग उन बच्चों को गिफ्ट करेंगे, और ज़िंदगी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच।